15 साल गुजर चुके हैं जब से आपकी बीबी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को आपसे छीना गया। 15 साल बाद भी इंसानों का मजमा जमा हुआ है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियाले आज भी यहां मौजूद है। आज भी हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सियासी फलसफा पे चलते हैं, सियासी मंशूर पे चलते हैं, सियासी नजरिया के मुताबिक चलते हैं। 15 साल बाद भी अवाम और जियाले बीबी शहीद को नहीं भूले। बेनजीर भुट्टो शहीद को किस गुनाह में शहीद किया गया? क्या गुनाह ये था कि वो मुहिब्बे वतन थी? शहीद बीबी इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के लिए मुंह तोड़ जवाब थी। आमरियत को शिकस्त देकर जमहूरियत को बहाल किया। लोगों को लड़वाएंगे नहीं, यकजहती से शहीदी शहीद बीबी के नामुकम्मल मिशन को पूरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में खिताब। वो सिलेक्टेड आपका क्रेडिट, आपका मेहनत, आपका जिद्दोजहद, आपका लॉन्ग मार्च का क्रेडिट, आपका अदम एतमाद का क्रेडिट, सदर जरदारी का, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ दोस्ती का क्रेडिट वो व्हाइट हाउस को देना चाह रहे हैं, बाइडन को देना चाह रहे हैं और कहते हैं कि अमेरिका का सदर ने मुझे निकाला। अमेरिका के सदर ने नहीं, पीपल्स पार्टी के जियालों ने आपको निकाला। जैसे मुशर्रफ को, जैसे उस मक्की को दूध से निकाला जाता है, वैसे ही आपने उस सिलेक्टेड मक्खी को दूध से निकाल कर बाहर फेंका। व्हाइट हाउस नहीं, बिलावल हाउस की साजिश ने आपको निकाला। बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर खुलकर तनकीद। बोले, आसिफ जरदारी का क्रेडिट जो बाइडन को देना चाह रहे हैं। ये पहला वजीर आजम है जिसे जमहूरियों आईनी तरीके से निकाला गया। अदम एतमाद से घर भेजा, आईन ऐवान में तरमीम पर बात करें नहीं चाहता। साबिक खातून अव्वल के साथ पर्चे कटे और आप जेल में हो। आसिफ जरदारी ने मुशर्रफ को ऐसे निकाला जैसे मक्खी को दूध से निकालते हैं। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है कि अवाम तकलीफ में है। मुल्क अगर मुश्किल में है तो पीपल्स पार्टी के जियाले बचा सकते हैं, और मैंने किसी को नहीं देखा है जिसमें वो सलाहियत है, जिसमें वो ताकत है, जिसमें वो विजन है। 30 अरब डॉलर का नुकसान आपका मईशत को, आपका जीडीपी का 10% उसी पानी के साथ बह गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क में महंगाई है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। सिलेक्टेड टैक्स का तूफान और आपकी जेब पर डाका डाल रहा था। पहली बार डिफॉल्ट का खतरा था, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। जो काम नेटो पूरी दुनिया न कर सकी वो फौज और आवाम ने कर दिखाया। दहशतगर्दों को किसने पाकिस्तान की जेल से निकाला? फिर दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, मुतासरीन को बचाएंगे। सत्ताईस दिसंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और सारे जमहूरी पसंद जो अब लोग होते हैं दुनिया भर में और ख़ास तौर से पाकिस्तान में, उनके लिए ये दिन एक बहुत अहम और हमारे लिए काला दिन होता है, क्योंकि हमसे हमारी आलमी पाए की लीडर छीन ली गई और उनकी शहादत इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। वफाकी वज़ीर माहौलियात तब्दीली शीरी रहमान कहती हैं
15 साल बाद भी अपने कायद के कत्ल केस में इंसाफ के मुंतजर हैं। जमहूरियत के लिए बेनजीर भुट्टो शहीद की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। बेनजीर भुट्टो का कत्ल इंसानियत का कत्ल था। कातिलों ने बेनजीर को कत्ल करके मुल्क तोड़ने की कोशिश की। जमहूरियत के लिए बेनजीर भुट्टो को कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। बेनजीर भुट्टो ने नज़रबंदी, कैद, जिला वतनी और दीगर सख्तियाँ बर्दाश्त की। बेनजीर वो आगे चल के लीड करती थी इन टू दैट। गाड़ी अगर चला रहे हो तो शीट से इतना सब इन गुजरे इनमें मारे टक्कर। ये उसकी दलेरी। आप अब यही देखें 18 अक्टूबर को जी जी उनके काफले पे हमला हुआ, बड़ा जबरदस्त हमला हुआ, 180 शहीद हुए जी जी 180। आप भी थे वहां पर रजा सर? मैं उनके साथ ट्रक पे था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन की कैपिटल टीवी के प्रोग्राम इनसाइट विद सैयद मुजम्मल में खुसूसी गुफ्तगु। शहीद बेनजीर भुट्टो इंतहाई दलेर खातून थीं, वो भुट्टो की तरह नडर थीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बहादुर खातून नहीं देखी। पीपल्स पार्टी के जियाले बीबी शहीद की वजह से बिलावल भुट्टो से बहुत प्यार करते हैं। बीबी की शहादत पर स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट बड़ी जामे थी। कोविड की नतीजे में मार्केट बिल्कुल यानी लोग मुफ्त भी लेने को तैयार नहीं थे। उस वक्त की हुकूमत ने गफलत से काम लिया और आज सूरत हाल ये है कि गैस अवेलेबल नहीं है। सोलराइजेशन का जो मंसूबा बनाया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। वो महकमे उन्होंने अपनी पूरी तरह कंट्रीब्यूशन की और शाहिद अब्बासी साहब ने ये 10,000 मेगावाट की पॉलिसी का आज से 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले इसका ऐलान किया और उसके ऊपर अब अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है। इमरान दौर में सियासी मुखालफीन पर करप्शन के झूठे मुकदमात बनाए गए। नैब न्याजी गठजोड़ ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। गुज़श्ता हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत के मुल्क को माशी मसाइल की तरफ धकेला। माशी मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी से गर्दशी कर्जा बढ़ा। यूक्रेन रूस जंग से तेल महंगा हुआ। सरकारी इमारतें शमसी तवानाई पर लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। जब नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया तो फिर एक ही दिन बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ पर कातलाना हमला हुआ। बेनजीर भुट्टो उसमें शहीद हो गई और नवाज शरीफ को अल्लाह ने महफूज रखा कि यह सिलसिला रुक नहीं रहा। लाडले उसी तरह लाडला ही नजर आ रहे हैं। विफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं रोज रोज के लॉन्ग मार्च से जमहूरियत कमजोर हो रही है। माजी में बेनजीर और नवाज शरीफ पर कातिलाना हमले हुए, लाडला आज भी लाडला नजर आ रहा है। कौमी लीडरशिप को मुल्क से बाहर कौन भिजवा रहा है? आने वाले दिनों में गुज़श्ता हालात का मदावा कौन करेगा? इमरान खान समेत सबको असेंबली में वापस आना चाहिए। अगर इन्होंने सिर्फ तनख्वाह या मरात लेनी है तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं। दुश्मन ममालिक के सामने रेट बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया जाए। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम नागुजीर। आम इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। सियासत को ना संभाला तो एक पैसा नहीं आएगा। सदर काफलीग चौधरी शुजात की सीनियर सहाफ़ियों से इस्लामाबाद में गुफ्तगू। सीनियर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द अमल। बोले एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियों ने बीबी की बरसी के मौका पर तमाशा लगाया। एनआरओ से इस्तफादा के लिए जरदारी और उसके फर्जंद ने भुट्टो और बीबी की सियासत से यकसर लातालुकी का ऐलान किया। सबसे बड़ी सियासी जमात को अंदरून सिंध की चंद बस्तियों तक महदूद कर दिया गया। इंतखाबात से फरार में जिंदगी तलाश करने वालों को अवाम के सामने खड़ा करेंगे।
स्पीकर पंजाब असेंबली सत्यन खान से पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मुलाकात, वजीर अला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और दीगर सियासी अमूर पर मुशावरत। मुलाकात में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली अनायतुल्ला लख भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ का इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुध को स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश होने का फैसला मुलतवी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने केपी हाउस में इजलास के बाद स्पीकर के सामने पेश होना था। स्पीकर कौमी असेंबली की अदम मौजूदगी के बाइस फैसला मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असेंबली और तहरीक इंसाफ के वफ्द में मुलाकात जुमेरात को होगी। स्पीकर कौमी असेंबली ने अपने शेड्यूल से मुतालिक पीटीआई वफ्द को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन में समात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, दो मरतबा हल्का बंदियां कर चुके हुकूमत को पहले यूनियन काउंसिल्स में इजाफे का ख्याल क्यों नहीं आया? हर सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। खदशा है हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन काउंसिल्स में रद्दोबदल न कर दे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन अपने ही फैसले को रिवर्स कर दिया। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इलेक्शन से भागा जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम हुकूमत की मुआवनत की। पहले ही हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील में जा चुके हैं। हम पूरे तरीके से अपने कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। आइन की रूह के मुताबिक इंतजामी, सियासी और माली हुकूमत इस्लामाबाद का हक है। इलेक्शन कमीशन से यह मुतालबा किया है कि अब सिर्फ 3 दिन रह गए, 28, 29, 30, 31 को तो इलेक्शन डे है अली जी भाई, तो इसलिए फौरी तौर पे ये इलेक्शन पिछले कानून के मुताबिक करवाया जाए। और जो सदर साहब हैं उनसे भी हमारी दरखास्त है कि ये बड़ी ज्यादती हो रही है लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के साथ और इस्लामाबाद के कैपिटल के साथ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं, इस्लामाबाद में 3 रोज कबल बल्दियाती इलेक्शन न कराने का ऐलान आइन के साथ मजाक है। इंपोर्टेड हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। नवाज शरीफ लेवल प्लेइंग फील्ड और इमरान खान की नाहली पर वतन वापस आएंगे। पीडीएम टोले की तोशाखाना पर टाएं टाएं फिश क्यों हो गई? दिन रात तोशाखाना की रट लगाने वालों को अब इसकी याद क्यों नहीं सता रही? उमर सरफराज चीमा का बयान, बोले अदालत ने तोशाखाना का रिकॉर्ड मांगा तो शहबाज जरदारी हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। लीडरों की चोरी पकड़े जाने के खौफ से नून लीग के MNA ने अपना केस ही वापस ले लिया। ये बताएं उन्होंने तोशाखाना से कितने पैसे लिए। इम्पोर्टेड टोला अवाम में अपनी मकबूलियत से बखूबी वाकिफ है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट, कहा अवाम इस वक्त महंगाई और उनकी नाअहली से तंग आ चुके हैं। कोई भी साजिश अवाम के फैसले को बदल नहीं सकती। इम्पोर्टेड टोला जानता है कि इन्हें अवामी अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम ने कमेटी इजलास में यूट्यूबर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। इजलास में हायर एजुकेशन कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लिया गया। कमेटी का चेयरमैन HEC और डायरेक्टर नमल की अदम शिरकत पर इजहार नाराजगी। ऑडिट हुकाम का 2013 से 2018 के दौरान 5 लाख लैपटॉप्स की खरीदारी में बेजाब्तियों का इंकशाफ। कोरम पूरा न होने के बायस इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का एआदा। तजारती और इक्तसादी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वस्त एशियाई ममालिक को सड़कों और रेलवे के ज़रिए रवाबत बढ़ाने की पेशकश।
पाकिस्तान में सेहत के शोबे में इनकलाबी मंसूबों पर काम का आगाज। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने 15 अरब रुपए से जायद के मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। चौधरी परवेज इलाही बोले, अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाएगा। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में 1 अरब 20 करोड़ रुपए से साइबर नाइफ मशीन फराहम की। अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल गुजरात में कैंसर एक्सेलरेटर मशीन नस्ब की जाएगी। वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद में होने वाले दहशतगर्द हमले के मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। हमले में टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था, उसका कोई कसूर नहीं था। टैक्सी ड्राइवर को मुलजिम ने हायर नहीं किया था। मुलजिम करुम एजेंसी से चले और रावलपिंडी में ठहरे। हैंडलर्स को भी पकड़ लिया गया है। हमने 4-5 लोगों को राउंड अप किया है।